हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर जरूर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट फ्रेंड सर्कल्स को भी बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। वन बाय वन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। पहला है आपका सेंटर अपोजिज ओडिशाज ऑर्डिनेंस फॉर लैंडमार्क लिंगराजा टेम्पल। तो बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था, और ऑर्डिनेंस आपको पता है ना, गवर्नर इश्यू करते हैं फॉर द स्टेट सब्जेक्ट एंड प्रेसिडेंट इश्यू करते हैं फॉर द सेंट्रल सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस का नाम है बेसिकली लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस 2020 है, एंड इसके तहत जो ओडिशा में सर्टेन टेम्पल्स हैं उसके रिचुअल्स या फिर अदर एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि जिस टेम्पल्स को आप मैनेज करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हो, इसमें कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं एज पर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। यहां पर आप देखो, ठीक है, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली मॉनिटर करती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो दैट्स वाई यहां पर आपका जो इश्यू है वो निकल कर आ रही है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस की कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पर तो आपका आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ लिंगराजा टेम्पल के बारे में हमें जानना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, तो बेसिक से बात करते हैं, देख सकते हो लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस 2020 इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत जो ओडिशा में टेम्पल है, सर्टेन टेम्पल्स एज वेल एज अदर 8 एसोसिएटेड टेम्पल्स, उसको मैनेज करने की बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पर कंटेंशन किस बात पर हो रहा है, देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस है इट कवर्स 12 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जिसमें लिंगराज टेम्पल भी शामिल है एज वेल एज द 3 टैंक्स। दैट्स वाई ये स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट इन टेम्पल्स के ऊपर रूल्स रेगुलेशन अपने नहीं थोप सकती, बिकॉज इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ AMASR Act 1958। ये क्या है ये आपका AMASR Act 1958? ये आप देखो यहाँ पर, ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स व्हाट, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड द मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स अदर देन नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पर ध्यान दे सकती है, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखनी है। तो यहीं से आपका इश्यू निकल कर आया था। साथ ही साथ देख सकते हो ये जो ऑर्डिनेंस है, दिस ऑर्डिनेंस आल्सो प्रोवाइड फॉर रिपेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं टू द टेम्पल्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किए जाएंगे, तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के द्वारा। एंड अगर हम बेसिक की बात करें तो देख सकते हो जो लिंगराज टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर। एंड जरूर याद रखनी आपको, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जजति केशरी 10th century AD में, एंड कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, किंग लाल तेंदु केशरी के द्वारा 11th century में। तो याद रखना आपको, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, किंग जजति केशरी, कंप्लीट किसके शासनकाल में हुआ, लाल तेंदु केशरी, ठीक है। उसी प्रकार से आप हमें बताओ जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, इनके फाउंडर कौन है, कौन से किंग के नाम आते हैं जब हम बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की। और अगर हम बात करें अदर डिटेल्स फॉर द लिंगराजा टेम्पल, तो इसको रेड सेंड स्टोन के माध्यम से बनाया गया है, यानी कि लाल पत्थर जिसको हम कहते हैं, एंड इट इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर जो पहले बनाए जाते थे ना, वो 2-3 स्टाइल में बनाए जाते थे। एक तो आपका था नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बनाए जाते थे वो नगारा स्टाइल कहलाते हैं, जो साउथ इंडिया में बनाए जाते थे उसको हम द्रविड़ा टेम्पल स्टाइल कहते थे, जो
दोनों का कंबाइंड फॉर्म था, नगाड़े के भी फीचर्स मिल जाते हैं और द्रविड़ा के भी फीचर्स मिल जाते हैं, तो उसको हम वेसरा स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और जो कलिंगा स्टाइल है, ये बेसिकली नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ही एक प्रकार से सब पार्ट कह सकते हो, ठीक है, सब डिविजन्स कह सकते हो। एंड ये जो आपका लिंगराज टेम्पल है, इसमें आपके चार सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे गर्भगृह, यानी कोई भी टेम्पल में आप देखोगे या फिर लिंगराज टेम्पल में आप जाओगे, तो एक तो गर्भगृह, जहां पर जो सेंक्टम सेप्टोरम है, जिनको हम गॉड कहते हैं, उनको प्लेस किया जाता है। एंड यू विल सी यज्ञशाला, यज्ञशाला मीन्स हॉल ऑफ प्रेयर, जिसको हम मंडपा भी कह सकते हैं। भोग मंडपा रिफर्स टू हॉल ऑफ ऑफरिंग, जहां पर बेसिकली दान सब दिए जाते हैं, एज वेल एज अदर ऑफरिंग्स। एंड वी विल बी हैविंग नाट्यशाला, दिस इज बेसिकली हॉल ऑफ डांस, जहां पर नृत्य किए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका नाट मंदिर, ये है आपका भोग मंदिर, ये है आपका जगमोहना। एंड जो आपके अंदर लोकेशन में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो है आपका सेंक्टम सेक्टोरम, जहां पर गॉड होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये अपने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। फॉरेस्ट फायर्स फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वेंट अप इन पास्ट 2 डिकेड्स, ये एक स्टडी ने कहा है, क्लेम किया है। तो बेसिकली आप भी बताओ कि आखिरकार ये ऐसी रिपोर्ट क्यों आ रही है। इट इज एक्चुअली क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो बेसिकली तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जो आपके फॉरेस्ट हैं वो सब रिलेटिवली मोर फायर्स पिकअप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो दैट्स वाई ये स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, आप इसको कोट कर सकते हो कहीं भी, अगर ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से इसको आप कोट कर सकते हो। सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आर्टिकल नंबर 2 विल बी कवर्ड अंडर, देख सकते हो, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये जो स्टडी रिलीज की गई है, किसने रिलीज किया है, तो काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW ने। क्या नाम है स्टडी का, मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। तो इसी में की हाईलाइट है, आप देख सकते हो, मोर देन 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स वो आपके एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हॉटस्पॉट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हॉटस्पॉट यानी कि यहाँ पर आपका ड्राउट है या फिर आपका फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाएं फ्रिक्वेंट होती रहेंगी। इट इज हॉट स्पॉट ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका ड्राउट हो गया या फिर आपका फॉरेस्ट फायर हो गया, ये सब आपके एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में आते हैं, ठीक है। एंड 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर हॉट स्पॉट फॉर एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर। तो 75% इज योर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हॉटस्पॉट, एंड 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द हॉटस्पॉट फॉर व्हाट, एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर की घटना है काफी ज्यादा होती रहती है, ठीक है। एंड फिर आप देख सकते हो 10% नहीं, 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करें, लेट से कि 2000 में, ईयर 2000 में जो आपके फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स लेट से 20 होते थे, तो आज अगर हम 20 साल आगे आ गए हैं, यानी कि 2020 में आ गए हैं, तो आपका जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स जो है वो आपका 200 देखने को मिलते हैं, यानी कि 10-fold इंक्रीज हुआ है ना, 20 से 200, यानी कि 10-fold का इंक्रीज हो गया है। और फिर आप देख सकते हो, इंडिया इज सेकेंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द ग्लोबल साउथ टू द फॉरेस्ट फायर। तो ग्लोबल साउथ में आपका जो आप देखते हो सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, तो उसमें से आपका सेकेंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हो गया है भारत विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट फायर। एंड मिजोरम में आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स देखने को मिली है। ये सब देख सकते हो, जो डार्केस्ट कलर में है ना, वहां पर इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, देख सकते हो, एक्सट्रीमली प्रोन टू द फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट, ये जो आपका डार्केस्ट कलर के एरिया है, दैट्स व्हाई मिजोरम भी आपका उसी में आ जाता है। तो मिजोरम है हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स। एंड ये जो आपका 89% ऑफ द फॉरेस्ट फायर एक्सट्रीम हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आपके फॉरेस्ट फायर देखने को मिलते हैं, वो आपके ड्राउट हॉटस्पॉट रीजन में लोकेटेड है। ड्राउट हॉटस्पॉट रीजन में क्यों लोकेटेड है, आपको पता होगा कि ड्राउट मतलब क्या है, कि वहां पर मॉइस्चर की कमी होती है, मॉइस्चर की कमी है तो सब कुछ सूखा होगा, और वैसे भी टेम्परेचर बढ़ रही है, तो वो और ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स को बढ़ा देता है। तो अल्टीमेटली ये आपका लिंकेज है,
देख सकते हो आंध्र प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा, महाराष्ट्र, मोस्ट प्रोन टू द हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर इवेंट्स व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और कह सकते हो कि रैपिड क्लाइमेट चेंज। तो आंध्र प्रदेश इधर है आपके, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गए, असम कह लो इधर, छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर है, ठीक है, ओडिशा आपका यहाँ पर है, एंड महाराष्ट्र इज वेयर यहाँ पर है। तो ये आपके मोस्ट हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर इवेंट्स को ज्यादा प्रोन है। और फिर आप देख सकते हो जो रिसेंट फायर हुआ है राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ये अनसीजनल था, यानी कि अभी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंस अगर देखा जाए पास्ट के डाटा के अनुसार तो यहाँ अभी फॉरेस्ट फायर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर इस रीजन में बनता दिख रहा है, जिसके कारण जो फायर है वो और ज्यादा स्प्रेड होती जा रही है। क्या रिकमेंडेशन दी गई है? तो पहली बात तो फॉरेस्ट फायर को एक प्रकार से आप डिजास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है, एंड जो भी हम नेशनल या फिर सब नेशनल या फिर लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स लेकर आते हैं उसमें फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट से निपटने के लिए आपको इस डिजास्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन सब प्लान्स में। साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर ओनली अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया जाए, जो एक प्रकार से रियल टाइम इम्पैक्ट बेस्ड अलर्ट्स फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग बता सके कि हाँ भाई साहब यहाँ पर फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट हुए हैं, ये अब इतने एरिया में फैल रहा है, पूरा जानकारी आपको मिल सके, सो दैट हम इस पर काबू कर सके। साथ ही साथ एडेप्टिव कैपेसिटी को इन्हांस कर सके। एडेप्टिव कैपेसिटी यानी कि एक होता है एडेप्टेशन, एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि हम उस इवेंट को ही खत्म कर देना चाहते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज कर रहे हैं, अगर हम इसको मिटिगेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसको खत्म कर दो एटमोसफेयर से, ठीक है। एंड एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अच्छा ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रही है, तो हमें भी एडेप्टेटिव इन्वायरमेंट लेकर आनी चाहिए, जैसे ड्राउट प्रोन जो क्रॉप्स होते हैं उसको ड्राउट फ्री क्रॉप्स बनाने होंगे, या फिर वेरियस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दो। ये सब होते हैं एडेप्टेशन की, हम एडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि चेंज इज द रियलिटी बट वी आर एडेप्टिंग टू दैट चेंज, दिस इज द एडेप्टेशन। एंड मिटिगेशन यानी कि हम उस इवेंट को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज योर, इट प्रोवाइड्स क्लीन एयर शेल्टर्स। हाँ सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सस्पेंड्स रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो आपको ही पता है ये जो रशिया यूक्रेन वॉर और अब एक और सेंक्शन कह सकते हो रशिया के ऊपर लगी है, वो ये कि ये अब UNHRC के मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके तहत रशिया अब UNHRC के मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट आर गोइंग ऑन इन द यूक्रेन। एंड इसको जानने से पहले सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में बताओ, द सिलेबस विल कवर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। तो ये आपका जो पास किया गया है रेजोल्यूशन, ये पास किस बेसिस पर होता है इसको समझना जरूरी है। तो पहली बात तो कोई भी अगर रेजोल्यूशन आया तो UNGA क्या करेगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लेट से कि आपके 102 मेंबर्स आपके प्रेजेंट इन वोटिंग है, तो 2/3 ऑफ दैट, लेट से 2/3 निकाल लेते हैं इसका, तो 68 मेंबर, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग अगर वो सहमति जता देते हैं तब जाके जो मेंबरशिप है किसी मेंबर का इन द काउंसिल उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है, एब्सेंटिज्म डज नॉट काउंट, एब्सेंटिज्म डज नॉट काउंट, यानी कि सिंपली कहा जाए तो जो रेजोल्यूशन है उसमें आपका 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग की दरकार होती है ना। एंड इससे पहले यानी कि अभी तो रशिया को सस्पेंड किया गया है, इससे पहले जो लास्ट मेंबर जिसको सस्पेंड की गई थी वो था आपका लिबिया, 2011 में सस्पेंड किया गया था। इंडिया ने बेसिकली इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से एब्सटेंट किया है, और वैसे भी आपको पता होगा अभी 2-3 रेजोल्यूशन जो रशिया के खिलाफ पास हो रहे हैं वहां पर इंडिया ने एब्सटेंट किया। एब्सटेंट कहने का मतलब यह है कि इन्होंने वोट नहीं की है, ठीक है। तो या तो वोट कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो, दोनों अधिकार होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे डिसीजन का, तो पहली बात तो एक स्ट्रांग
यूनाइटेड इंटरनेशनल मैसेज जाएगा रशिया को या फिर जो एलाइड कंट्रीज है रशिया के, कि वो जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करे, सीज फायर करे, है ना। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि एक इंडिकेशन ये भी जा सकता है जिसके माध्यम से रशिया और ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं, तो जो पीस एफर्ट्स है वो और ज्यादा जियोपोलिटाइज हो सकते हैं, है ना। एक तो ये होता है कि हमने सेंक्शन लगाए तो हो सकता है जो देश है वो कदम पीछे खींच ले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमने सेंक्शन लगाया तो वो कदम पीछे ना खींच के और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो दोनों बातें हो सकती है, दोनों बात है ना। तो अगर हम बात करें यूएनएचआरसी की, तो देख सकते हैं यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, और इसका जिम्मेदारी है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं, इसको डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली इलेक्ट किए जाते हैं सीक्रेट बैलेट के माध्यम से बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड आप देख सकते हैं ये जो आपका यूएनएचआरसी है इसने रिप्लेस किया है फॉर्मल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, यानी कि इसके जगह पर आपका यूएनएचआरसी आया, और यो आपका जो यूएनएचआरसी है इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2006 में, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। अब ये इंडिया का क्या रहा है स्टैंड यूक्रेन रशिया क्राइसिस पर, तो इंडिया बार बार कहता है कि जो भी ये कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि पीस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को मेंटेन किया जाए टू एंड द वायलेंस एंड कंस्ट्रक्टिव टॉक्स इनिशिएट किए जाए सो दैट इस कंफ्लिक्ट का अर्ली से अर्ली रिजोल्यूशन हो सके, ठीक है। और आप देख सकते हो सिंस जनवरी दिस ईयर, यानी कि जनवरी के बाद से ही इंडिया ने एब्स्टेन किया है जो भी वोट्स या फिर ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस का मामला आता है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, जनरल असेंबली में हो, या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल में भी क्यों ना हो, जो अभी हमने देखा, ठीक है। बिकॉज भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चाइना ट्राई टू हैक पावर ग्रिड सिस्टम्स इन लद्दाख थ्राइस। ये चाइना जो है ना कुछ छेड़खानी करते ही रहता है, तो पावर ग्रिड सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया लेकिन हैक नहीं हो पाया, तो इससे रिलेटेड इश्यू हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ करते हैं, ये सिक्योरिटी का भी एक मामला हो सकता है, जो सिक्योरिटी टॉपिक है हमारा उसका भी एक मामला हो सकता है, लेकिन हाँ ये भी इसमें भी कवर हो जाएगा आपका पावर सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में भी कवर हो जाएगा। तो देख सकते हो जो हैकर्स है उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के ट्रोजन, इस ट्रोजन का नाम अच्छे से याद रखना है, सैरो पैड का इस्तेमाल किया सो दैट जो स्ट्रीट लोड डिस्पैच सेंटर्स है लद्दाख में उसको टारगेट किया जा सके। और ये जो आपके स्ट्रीट लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं रियल टाइम ग्रिड कंट्रोल के लिए, एज वेल एज कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्पैच करनी है, उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए बिकॉज अच्छे खासे सेफ गार्ड हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंश्योर किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले बात तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जान लीजिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वैसे फिजिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज नेटवर्क सर्विसेज एसेस कुछ भी हो सकते हैं, जो अगर डिसरप्ट हो गई तो इसका सीरियस इम्पैक्ट आपका हेल्थ पर, सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर, या फिर इकोनॉमिक और सोशल बींग पर, सोशल वेलबींग पर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के इफेक्टिव फंक्शनिंग पर भी हो सकता है। आप कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आपका पावर ग्रिड है, अगर पावर ग्रिड हैक हो जाता है तो आप समझ सकते हो पूरे देश की बिजली चली जाती है एक प्रकार से, या फिर किसी स्टेट की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कॉलेप्स हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो बैंकिंग सेक्टर जुड़े हुए हैं सब कुछ कॉलेप्स हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है कि अगर ये डिस्टर्ब हो गया, अगर इस पर निगेटिव इम्पैक्ट आ गए तो इसका सीरियस इम्पैक्ट हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी सब पर हो सकता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो गवर्नमेंट हो गई है ना, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट पर कुछ लेट्स से कि डिसरप्शन हो गई तो फिर इसका भी पूरा इम्पैक्ट रेट पर हो सकता है, मोबिलिटी पर हो सकता है ना। उसी प्रकार से टेलीकॉम, उसी प्रकार से आपका बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया गया तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी नुकसान हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ सकती है, एंड वे द स्ट्रेटजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज एज वेल, ये सब आपके क्रिटिकल सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अब मेजर्स क्या लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक तो पॉलिसी मेजर्स, वी हैव द वेरियस पॉलिसी जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 और इसके तहत सिक्योर एंड रेजिलिएंट साइबर स्पेस सिटीजन के लिए बनाए जाने की बात की जाती है, वो एज वेल एज फॉर द बिजनेसेस एज वेल एज द
गवर्नमेंट। एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर क्या है? तो वेरियस इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं, देख सकते हैं आप, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, और ये बेसिकली रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है जो नेशन की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे। एंड वेयर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसके बारे में तो आपने भी सुना होगा, CERDIN, जो कि नोडल एजेंसी है विच डील्स विद रिस्पॉन्डिंग इफ देयर इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैकिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ एट द नेशनल लेवल टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। एंड क्या इनिशिएटिव है, देख सकते हो, देयर इज ऑल्सो गाइडलाइंस ऑन द साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर, जो इश्यू की गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा फॉर ऑल द पावर सेक्टर यूटिलिटी। एंड देयर इज अ प्लान की फायरवॉल्स बनाए जाएंगे टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी साइबर हैकिंग। एंड ये भी याद रखनी है आपको, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बेसिकली तैयार किया जा रहा है टू डिसरिगार्ड द अटेम्प्ट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिपल द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द फिफ्थ आर्टिकल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजियस गाइडलाइंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं DBUS, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, आपने बजट अगर 2022-23 देखा होगा तो इसमें अनाउंस की गई थी, देख सकते हैं, है ना, यूनियन बजट 2022-23 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्यों? 75 ईयर्स आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो क्या होगा ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? एक प्रकार से डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को आप समझ लो कि जैसे कोई स्टेट है, स्टेट से हमने लिया, जैसे पंजाब लिया, ठीक है, तो पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट को ले लो, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा कि एक प्रकार से DBU सेटअप किए जाएंगे, जो कि एक स्पेशलाइज फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किए जाएंगे सो दैट यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, सो दैट जो कस्टमर्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग, कन्वीनियंट बैंकिंग एक्सेस कर पाए, अवेल कर पाए। एक प्रकार से जैसे आप देखते हो, हर एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाते हैं नजदीक नजदीक में, सो दैट कुछ ग्रीवेंसेस अगर बैंक से रिलेटेड है तो वहां पर वो सॉल्व कर सके। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा कि बैंकिंग सर्विसेज भी अवेल की जा सकेंगी। बैंकिंग सर्विसेज यानी कि डिपोजिशन हो गया, पैसे निकासी हो गए, ये सब सर्विसेज आपका असिस्ट किया जाएगा, ये सब आपका डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होगा। तो यही आपका बेसिक कंसेप्ट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, ठीक है। तो देख सकते हो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, इसका बेसिक एम क्या है कि डिजिटल मोड्स ऑफ बैंकिंग को एनहेंस किया जाए भारत में, डिजिटल बैंकिंग मोड्स, या फिर यूं कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा एक प्रकार से DBU जब सेटअप किए जाते। तो मेजर गाइडलाइंस क्या है, तो ये जरूर ध्यान रखनी है, जो भी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और उसमें से क्या हटा दो, RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट्स बैंक हटा दो, लोकल एरिया बैंक हटा दो, ठीक है, ये तीनों हटा दो। तो एक्सेप्ट दीज थ्री ऑल डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैविंग द पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ये ओपन कर सकते हैं DBUs। तो क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, कैश विद्रॉल एंड डिपॉजिट्स किए जा सकते हैं, KYC अपडेशन करना हो तो वो किए जा सकते हैं, लोन्स लेना हो तो भी, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना हो तो भी, ठीक है। तो ये सब सुविधाएं आप देख सकते हो, बैंक ब्रांचेज भी मिल जाती है, लेकिन ये आपका DBUs में भी मिलेंगी, सो दैट जो कस्टमर से वो कन्वीनियंटली एसेस कर सके, इजिली एसेस कर सके बैंकिंग सर्विसेज को। तो डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, एंड साथ ही साथ आपका इसके माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। एंड देख सकते हो ये जो आपका DBU सेटअप किए जाएंगे, ईच DBU उनको एक प्रकार से बैंकिंग आउटलेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, एंड जो भी आपके DBU हैं उसको कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टली हाउस किए जाएंगे विद सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट provisions। एंड साथ ही साथ आप चूंकि ये सब डिजिटल माध्यम से सब ऑपरेट होंगे, तो एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी जो DBU की है उसको भी इंश्योर की जाएगी, और ये कौन इंश्योर करेगा, बैंक से इंश्योर करेगा। एंड जो आपके एडिक्वेट डिजिटल मैकेनिज्म है, इसके माध्यम से कोई भी अगर कस्टमर ग्रीवेंसेस आती हैं तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकेगा अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड सर्विसेज जो बैंक या फिर आपके DBU ऑफर करते हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आई, ग्रीवेंसेस आई, तो उसको एड्रेस किया जा सकेगा। इट इज सिमिलर टू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक ब्रांचेज, है ना। बस यही है कि ये सब आपका डिजिटल मोड में इनेबल किया जा रहा है, और जो बड़े बड़े ब्रांचेज खोलने में जो कॉस्ट लगते हैं ना, वो कॉस्ट एकदम से कम हो जाएगा अगर हम DBUs पर फोकस करेंगे। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, आप देख सकते हो
इट विल हेल्प द फार्मर्स या फिर सीनियर सिटीजन जो रूरल एरियाज में, कि वो भी अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, इनेबलिंग द इंटरऑपरेबिलिटी, एंड डिजिटल इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगी। साथ ही साथ फिजिकल फुटप्रिंट है वो भी कम होगा। कैसे फिजिकल फुटप्रिंट कम होगा? तो आप देख सकते हो, ब्रांच खोल, अब कोई बैंक है, अब उसको ब्रांच खोलवानी है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा लगेंगे। साथ ही साथ हमें बार बार ब्रांचेज विजिट करने पड़ते हैं दूर दराज के इलाके में, रूरल एरिया में ब्रांचेज तो और भी दूर दूर वाले इलाके में रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो बैंक की फिजिकल फुटप्रिंट है वो कम होगी एंड डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये, साथ ही साथ डीबीयूज को स्टेब्लिश कर पाना चीपर होता है एज कम्पेयर टू द न्यू ब्रांच ओपनिंग। काफी ज्यादा पैसे लगते हैं न्यू ब्रांच को अगर ओपनिंग करना, बिल्डिंग लोड रेंट पर, उसके बाद अदर कॉस्ट सब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लेसर स्टाफ की जरूरत होगी, चीपर मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टूल्स, एंड दैट्स वाई कैन बी हाई यील्ड यूनिट फॉर द पेरेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये हमने डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।